हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको साड़ी के बहुत ही अच्छे अच्छे हैक्स आपको बताने वाली हूँ। आप सबसे पहले अपनी साड़ी को एकदम सॉफ्ट चूज़ करिए। जो भी साड़ी फूली फूली होती है उसको बिल्कुल अवॉइड करिए, जैसे ऑर्गेन्जा कॉटन साड़ी। अगर सॉफ्ट फैब्रिक की होगी तो आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से बैलेंस दिखाएगी। तो आप जॉर्जेट, क्रेप, सैटिन, सॉफ्ट साड़ी ही चूज़ करिए। नेक्स्ट ट्रिक आप यूज़ करते हैं कर सकते हैं कि एक कलर में साड़ी पहने, हाफ कलर में साड़ी जो जिसमें पल्लू अलग कलर का होता है, इनको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ऐसी साड़ी में आपकी बॉडी फ्रेम जो है ना बिल्कुल फंक्शन में बढ़ जाता है और उसकी आपकी हाइट थोड़ी सी दबी हुई दिखती है। तो बिल्कुल एक कलर में साड़ी पहनिए। अगर एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी भी आप पहनते हैं या रफल साड़ी भी पहनते हैं तो सेम कलर में होनी चाहिए। इससे आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी इलोंगेटेड दिखेगी, बॉडी फ्रेम आपका काफ़ी बैलेंस दिखेगा। नाउ एक ही कलर की साड़ी जब आप पहनेंगे ना तो उसके साथ में कंट्रास्ट में ब्लाउज रख सकते हैं, कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड मल्टी कलर ब्लाउज रख सकते हैं। बट अगर आपको और भी अच्छा लुक चाहिए तो आप सेम कलर का ब्लाउज उसके साथ टाई कीजिए, और भी अच्छा स्मार्ट लुक लगेगा और आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल भी कम नहीं दिखेगी, ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक दिखेगा। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है बट आप इसको ट्राई करके देखिए, काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस आपको दिखेगा अपने अंदर। नेक्स्ट ट्रिक, इसके बहुत ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी, चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी जो होती हैं उनको हमें अवॉइड करना है, और थोड़े से पतले बॉर्डर वाली या फिर जिसमें बॉर्डर नहीं हो ऐसी कोई साड़ी आप भी कर सकते हैं। बॉर्डरलेस साड़ी या बॉर्डर थिन बॉर्डर की साड़ी, इस टाइप की साड़ी आपके लिए बेस्ट है। ज़्यादा चौड़े वाले बॉर्डर अगर आप पहनेंगे तो आपकी बॉडी फ्रेम को वो कट करेगा और आपकी हाइट को कम दिखाएगा। तो थोड़े से मीडियम या फिर बहुत पतले या बॉर्डरलेस साड़ी भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक इज, इस साड़ी में अगर दूर दूर प्रिंट्स हैं आपके तो उन साड़ीज को आप वो अवॉइड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा फैले फैले प्रिंट होंगे, दूर दूर होंगे, बड़े बड़े होंगे, तो वो आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखा सकते हैं, वाइड दिखा सकते हैं। बट अगर प्रिंट छोटे छोटे होंगे, पास पास में होंगे तो आपकी साड़ी में, तो काफ़ी अच्छा लॉन्गेटेड लुक आपको मिलेगा। आपकी बॉडी फ्रेम काफ़ी टॉल दिखेगी और एक एल्यूजन मिलेगा देखने वालों को कि आपकी हाइट जो है बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ऐसे प्रिंट जो छोटे छोटे हों, पास पास में हों, पूरी साड़ी में, वो आपके लिए बेस्ट हैं अगर आपको प्रिंटेड साड़ी पहनना पसंद है तो। अगर आपको अपने पल्लू को पिनअप करके प्लीटेड स्टाइल में पहनना पसंद है तो आप हमेशा अपने पल्लू को लंबा रखें, इस तरह से शॉर्ट में नहीं रखिए, क्योंकि जब आप ऐसे शॉर्ट में पल्लू रखते हैं तो आप बहुत सारे ब्रॉड लगते हैं और आपकी हाइट जो है बहुत कम लगती है। तो थोड़ा सा लंबा रखिए अपने पल्लू को, जितना लंबा रखेंगे अपने पल्लू को उतना अच्छा है, और अपने पल्लू को जितना अच्छा नीचे लेकर जाएंगे इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के साथ साथ एक वर्टिकल लाइन की क्रिएट होती है, जिससे देखने वाले को आपकी हाइट जो है काफ़ी अच्छी दिखती है, ओवरऑल आपका लुक अच्छा लगता है और आपको स्लिमर लुक देता है। अगर आपका टमी है और उसे हाइड करना चाहते हैं तो कभी भी प्लीटेड स्टाइल में पिनअप नहीं कीजिए। प्लीटेड स्टाइल में पतली प्लीट्स जब आप बनाते हैं तो आपका जो टमी है वो दिखता है, इस तरह से आप प्लीट्स बनाइए जिससे कि आपका टमी छुपा रहे। इस तरह से एक छोटी प्लीट्स बनाकर आप प्लीट्स कर सकते हैं, ये बहुत स्मार्ट भी लगता है और आपका टमी भी इजीली हाइड हो जाता है। तो या तो आप ओपन स्टाइल में पहने या फिर एक प्लीट का पहने, काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। अपनी साड़ी को आप मेक श्योर कि साड़ी जो है ग्राउंड से टच ज़रूर हो, थोड़ी सी ऊँची अगर रह जाती है तो अच्छी नहीं दिखती है, एंड कुछ इंचेस भी कम लगती है, आपकी हाइट ओवरऑल इसमें कुछ दबी हुई लगती है। तो ये मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप जब ब्लाउज़ चूज़ करते हैं तो हाई नेक या क्लोज नेक वाले ब्लाउजेस को अवॉइड कीजिए, और थोड़े से डीप नेक को आप अपने लिए पिक कीजिए। आप अपने ब्लाउज पीस को थोड़ा सा लॉन्ग में रखिए, या फिर फुल स्लीव्स या फिर एल्बो स्लीव्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो हाथ हैं वो थोड़े से पतले भी दिखते हैं और थोड़े से लंबे भी दिखते हैं, ओवरऑल आपका बॉडी फ्रेम भी काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड एक और चीज़, साड़ी ब्लाउज में से सिर्फ एक चीज़ हैवी होनी चाहिए। अगर आपकी साड़ी हैवी है तो ब्लाउज सिंपल होना चाहिए, और अगर आपका ब्लाउज हैवी है तो साड़ी सिंपल हो। नाउ अब आते हैं ज्वेलरी पर। तो नेकलेसेस पर आप थोड़े से लॉन्ग नेकलेस लीजिए अपनी साड़ी के साथ।
जो चिपके हुए नेकलेसेस होते हैं भरे भरे लेयर वाले, या फिर चोकर नेक पीस जो होते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे आपकी जो गर्दन है ना वो थोड़ी सी छोटी दिखती है। सिमिलरली ईयर रिंग आप थोड़े से लंबे चूज़ कीजिए, इससे आपकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी लंबी दिखती है। नाउ बैग्स में आप थोड़े से बड़े बैग अवॉइड कीजिए, थोड़े से क्लच या स्लिम बैग्स आप कैरी कर सकते हैं। हेयर स्टाइल्स में बेस्ट ऑप्शन है कि आप हाई बन बनाइए। हाई बन बनाने से कुछ इंच आपकी हाइट में ऐड हो जाएंगे, या फिर आप ओपन हेयर भी रख सकते हैं, या फिर स्ट्रेट कीजिए अपने बालों को मगर कर्ली नहीं कीजिए। सो गाइज, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, अपने पूरे लुक में आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। सो ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ हेल्प भी मिली हुई होगी। और अगर सच में हेल्प लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए।